हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेकी स्ट्रीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं जिसका स्पेसिफिकेशन और टेक्नोलॉजी देखकर आप बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं जो पहले स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं वो है रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी 6 मार्च को दो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो। दोस्तों रियलमी 6 में आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलेगा और वहीं रियलमी 6 प्रो में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है रियलमी 6 प्रो, ये एक गेमिंग स्मार्टफोन होगा क्योंकि इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर मिलने वाला है और इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी मिल सकता है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस फोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और दोस्तों जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स S5 प्रो। दोस्तों ये 6 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है और दोस्तों अगर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ये 10,000 के अंडर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन दे रहा है जो कि काफी मस्त है। इस फोन में आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलने वाला है और इस फोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस फोन को परचेज करना आप पसंद करेंगे या फिर नहीं। और दोस्तों जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है रेडमी के 30 प्रो। दोस्तों सभी लोग बोल रहे हैं कि 5G स्मार्टफोन सबसे पहले कौन लाएगा कौन लाएगा, तो यहाँ रेडमी भी कैसे पीछे रह जाता। रेडमी भी अपना एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है रेडमी के 30 प्रो जो कि 5G टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर होगा, 4700 mAh की बैटरी होगी, फास्ट चार्जिंग भी होगा और इस फोन में आपको एंड्रॉइड 10 और USB टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप रेडमी के 30 प्रो के बारे में क्या सोचते हैं, इस फोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और दोस्तों आज हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी के फील्ड में कहां से कहां पहुंच रहा है। इसी तरह MI अपना एक स्मार्टफोन लेकर आया था मी मिक्स अल्फा, जिसे आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसी तरह वीवो भी अपना एक स्मार्टफोन लेकर आ गया है जो है वीवो एपेक्स। यह एक कॉन्सेप्ट फोन है, यानी ये जो स्मार्टफोन ये लॉन्च नहीं होगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए स्मार्टफोन को लेकर आया है। अगर ये जो स्मार्टफोन अगर लॉन्च भी होता है तो वीवो एपेक्स के नाम से लॉन्च नहीं होने वाला है, कोई दूसरा भी नाम हो सकता है। और दोस्तों इस फोन में 6.45 इंच का डिस्प्ले है और इसमें आपको 120 डिग्री कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, यानी जो फोन का ये साइड है इसमें भी आपको डिस्प्ले मिलता है और ये जो बटन्स है ये भी आपको डिस्प्ले के अंदर ही मिलता है। यानी आप जैसे टच करेंगे आपका फोन ऑफ और ऑन हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा और कम भी होगा सिर्फ आपको टच करने से। और दोस्तों इस फोन के रियर में आपको डुअल कैमरा मिलता है 48+16 मेगापिक्सल का और इस फोन में आपको गिम्बल भी मिल रहा है। दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको फोन के अंदर ही गिम्बल मिल रहा है, यानी जो वीडियो स्टेबल रहेगा वो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। और दोस्तों इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर मिलता है, 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है और इस फोन में आपको 60W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस फोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो इंडिया के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जो है ओप्पो A31। दोस्तों इस फोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है और 6.5 इंच का एक बड़ा सा डिस्प्ले है। और दोस्तों इस फोन के रियर में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। और दोस्तों इस फोन में आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलता है, 4230 mAh की बैटरी मिलती है और दोस्तों ये 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है जिसका प्राइस 11,490 रुपए है। और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ भी आता है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन सभी स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप इन सभी स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोबारा मिलता हूं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।